कैलाश विजयवर्गीय की फंस गई सीट, एक महीने में बहने लगी उल्टी हवा। संजय शुक्ला बेटे के नाम पर मांगने लगे वोट, वर्गीय ने कहा था बच्चा। इंदौर एक विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं संजय शुक्ला। इंदौर एक सीट पर एक महीने पहले कांग्रेस की हवा थी, संजय शुक्ला को जीत की पूरी पूरी उम्मीद थी, संजय शुक्ला का कॉन्फिडेंस हाई था, शुक्ला मानकर चल रहे थे कि बीजेपी से कोई भी प्रत्याशी आ जाए लेकिन जीत हमारी ही तय है। शुक्ला के साथ साथ शुक्ला समर्थकों का भी कॉन्फिडेंस हाई था क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सर्वे रिपोर्ट यानी हर सर्वे में शुक्ला ही जीतते हुए दिखाई दे रहे थे। इंदौर एक सीट को लेकर एमपी कांग्रेस भी निश्चिंत दिखाई दे रही थी। ये सब तब तक था जब तक बीजेपी ने इंदौर एक विधानसभा सीट पर अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं किया था। बीजेपी की दूसरी कैंडिडेट लिस्ट आते ही कांग्रेस तो कांग्रेस एमपी बीजेपी के नेताओं के भी होश उड़ गए। बीजेपी की दूसरी कैंडिडेट लिस्ट में 8 दिग्गज नेताओं का नाम था। कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर एक विधानसभा सीट से मैदान में उतार दिया गया। वर्गीय के मैदान में आते ही मुकाबला पूरी तरह पलट गया, मुकाबला कांटे का हो गया। जिस सीट को लेकर कांग्रेस बिल्कुल निश्चिंत दिखाई दे रही थी उसी सीट को लेकर खलबली मच गई। संजय शुक्ला भी हैरान दिखाई देने लगे। विजयवर्गीय की 10 साल बाद विधानसभा चुनाव में मैदान में फिर से एंट्री हुई है तो दूसरी ओर कांग्रेस कैंडिडेट शुक्ला ने भी अब नई चाल चलनी शुरू कर दी है। शुक्ला ने इमोशनल वाला पासा फेंका है। शुक्ला वर्गीय को बड़ा नेता बता रहे हैं और खुद को बेटा बता रहे हैं। जाहिर है शुक्ला को पता है कि उनका सामना किससे होना है। वर्गीय चुनाव लड़ने का ही नहीं, लड़ने और जिताने का भी एक अच्छा खासा रिकॉर्ड बना चुके हैं। वर्गीय इस मैदान के माहिर खिलाड़ी हैं और वहीं वर्गीय बड़ी जिम्मेदारी की भी बात कर रहे हैं। जो सीट को लेकर 25 सितंबर के पहले कांग्रेस कॉन्फिडेंस में थी, 25 सितंबर के बाद उसी सीट को लेकर चिंतित दिखाई दे रही है। पूरा का पूरा फोकस वर्गीय को मिल रहा है। हवा और बाजी कैसे पलटती है ये उदाहरण बन चुका है। पूरा चुनाव कैलाश विजयवर्गीय के इर्द गिर्द घूम रहा है। बीजेपी के खाते में आने वाली सीट को पिछले चुनाव में कांग्रेस ने छीन लिया था। पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता की शुक्ला परिवार के खिलाफ एक बयानबाजी की बीजेपी को हार से कीमत चुकानी पड़ी थी। 22 से 25% वाला ब्राह्मण वोट बैंक खफा हो गया था। अब फिर से एक बार विजयवर्गीय के मैदान में आ जाने से मुकाबला बेहद कड़ा हो चुका है। संजय शुक्ला भी मान रहे हैं कि जीतना अब इतना आसान नहीं है। भले ही संजय शुक्ला एमपी के सबसे अमीर विधायकों में से एक हैं, शुक्ला अरबपति हैं, कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज है, लेकिन वर्गीय जहां मैदान में उतरने से एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं ये शुक्ला भी जानते हैं। इसी के चलते सुबह का सूरज उगने के साथ ही शुक्ला बिस्तर छोड़ देते हैं, गांव-गांव पहुंच रहे हैं, मतदाता सामने हाथ जोड़ रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग का पांव पकड़ रहे हैं और खुद को इंदौर का बेटा बता रहे हैं। दूसरी ओर कैलाश विजयवर्गीय अपने ही धुन में दिखाई दे रहे हैं, खुद को बड़ा नेता ही मानकर चल रहे हैं, कार्यालय पर कार्यकर्ताओं और संगठन के साथ मीटिंग कर रहे हैं, अगल बगल की सीटों पर प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। लगातार दूसरी विधानसभा क्षेत्र में भी प्रचार चल रहा है। जहां बागियों का बसेरा है वहां पहुंच रहे हैं, रूठे हुए बीजेपी नेताओं को मना रहे हैं, निर्दलीय को मनाकर बैठा रहे हैं और खास बात तो यह है कि वर्गीय इसमें सफल भी हो रहे हैं। इन सब के बाद इंदौर एक विधानसभा सीट का नजारा बिल्कुल दिलचस्प हो चुका है। मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है।